हाय दोस्तों, टीना बुटीक चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपकी मशीन इस तरह से सिलाई देना शुरू कर दे, ये जो आपको स्टिचिंग दिखाई दे रही होगी, ये इस तरह से सिलाई ऊपर और नीचे दोनों देना शुरू कर दे, तो हम इसका सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे। तो इस वीडियो में इसी के बारे में आज हम बात करेंगे दोस्तों, और इसका सॉल्यूशन आपको बताऊंगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही बेल वाला बटन दबा दीजिएगा सब्सक्राइब करने के बाद, जिससे कि आपको नई वीडियो के बारे में जानकारी मिल सके। तो चलिए दोस्तों, आज कुछ सीख लेते हैं कि हमारी मशीन में इस तरह से सिलाई खराब आए ऊपर और नीचे, तो इसका सॉल्यूशन क्या रहेगा। तो चलिए आपके सामने एक स्टिचिंग लगा के दिखा देता हूँ, जिससे कि आपको ये ना लगे दोस्तों कि मैं ये जो स्टिचिंग मार के रखा हूँ, ये पहले से मार के रखा हूँ और अब मारूंगा तो वो सही स्टिचिंग देगी। तो आपके प्रूफ के तौर पे एक सिलाई लगा के दिखा देता हूँ कि ये मशीन हमारी सिलाई कैसी दे रही है, और जब मैं इसको सही करूँगा तो ये सिलाई कैसी देगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और दोस्तों, हमारे चैनल पे कटिंग और स्टिचिंग से रिलेटेड वीडियोज़ भी आपको मिल जाएंगे, तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए देखते हैं कि हमारी मशीन सिलाई कैसी दे रही है। तो जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पे, देख लीजिए, फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ वाला अभी सिलाई मैं मारा हूँ। तो ये देखिए, फोर्थ वाला सिलाई भी वही प्रॉब्लम इसमें भी है। देखिए कहीं कहीं क्या है, ये देखिए किस तरह से इस तरह सिलाई देगी मशीन। तो ये बिल्कुल चालू सिलाई है, ये कोई भी अगर इसको ऐसा सिलाई करके किसी को देंगे फैब्रिक तो परचेस करेगा ही नहीं, या फिर कोई लेगा ही नहीं इसको। तो ये देखिए कितनी घटिया सिलाई हमारी मशीन दे रही है, और बैक साइड में तो और भी घटिया दे रही है। देखिए इस तरह से बैक साइड में सिलाई दे रही है, तो इससे आप सोच सकते हैं कि ये कितना प्रॉब्लम है। तो इसका सॉल्यूशन इस वीडियो में, अब चलिए क्या क्या मेन बातें हैं उसके ऊपर ध्यान देते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों, आपको ऐसी सिलाई देती है तो सबसे पहले आपको ये जो ऊपर वाला टेंशन वाला है, इसको हमें टाइट करना है। तो ये आपको जैसा दिखाई दे रहा होगा, ये हमारा टेंशन है। तो इसको सबसे पहले हम देखेंगे कि ये हमारी मशीन में लूज़ है या ज़्यादा टाइट है। अगर ये ज़्यादा लूज़ रहेगी तो आपकी मशीन के नीचे की सिलाई लूज़ आना बिल्कुल परफेक्ट तरीके से शुरू हो जाएगी। तो इसको देख लेंगे कि नॉर्मल इसको टाइट रहना चाहिए, इस तरह इसको नॉर्मल टाइट करेंगे, और फिर इसको सिलाई को यहाँ पे हम खींच के देखेंगे कि अब कैसी आ रही है। तो यहाँ पे आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि ये सिलाई नॉर्मल आ रही है, ज़्यादा ढीला नहीं आना चाहिए, नॉर्मल आना चाहिए। अब हम चलेंगे सेटल में और इसको देखेंगे कि ऊपर की जो प्रॉब्लम है उसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो इसको टाइट करने के बाद दोस्तों, एक और बात है यहाँ पे, जो आप देखेंगे कि ये धागा सही से फिट होना चाहिए, ये जो धागा है ये सही से इसमें बैठा हुआ रहना चाहिए, जिससे कि आगे चल के प्रॉब्लम हो सकती है आपको। अगर इसमें सही से धागा आप बिठाएंगे नहीं तो ये क्या होगा, इस तरह से धागा बिठाना है इसमें। देख लीजिए गौर से, मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ, जिससे कि कई बार ये धागा आप सही से बिठाते नहीं है और आपको प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है कि हमारी मशीन की सिलाई सही नहीं आ रही है। तो देख लीजिए एक बार, ये धागे को मैं सही से बिठा के आपको दिखा देता हूँ, और जूम करो, ये जिस तरह से यहाँ पे इस तरह से ऐसे धागा डालेंगे और यहाँ पे इस तरह से ये इस तरह से ये बैठना चाहिए, ये इस तरह से जहाँ से आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे एकदम इसे खींचेंगे तो यहाँ पे आपको लगेगा कि धागा एकदम कहीं यहाँ पे थोड़ा सा हल्का टाइट जैसा आएगा, तो आप समझ जाइए कि ये सही से बैठ जा चुका है। अगर यहाँ से धागा लूज आना है तो समझ लीजिए कि ये सही से अभी तक बैठा नहीं है। फिर उसके बाद हम इसको सुई में लगाने के बाद अब आएंगे हम नीचे सेटल के पास, कि सेटल में क्या प्रॉब्लम है जिससे कि हमारे ऊपर की सिलाई ख़राब आ रही है। अगर नीचे का प्रॉब्लम रहेगा दोस्तों तो ऊपर की सिलाई ख़राब देगी, अगर ऊपर से प्रॉब्लम है तो नीचे की सिलाई ख़राब देगी। ये बात को आप ध्यान से सुन लीजिए, और इसको अगर आपके पास मशीन है तो इसको ध्यान से याद रखिए। अगर नीचे की सिलाई ख़राब आ रही है तो ऊपर मशीन में प्रॉब्लम है, अगर ऊपर की सिलाई ख़राब आ रही हो तो नीचे सेटल में बॉबिन में कुछ प्रॉब्लम है, तभी ये सिलाई ख़राब आ रही है। तो चलिए देख लेते हैं कि हमारे बॉबिन में क्या प्रॉब्लम है। तो सबसे पहले हम बॉबिन को खोल लेंगे, ओपन करेंगे यहाँ पे सेटल, पकड़े
तो जैसे कि दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको मैं जूम करके बता रहा हूँ, ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला जो आपको स्क्रू दिखाई दे रहा होगा, ये स्क्रू कई बार क्या होता है, ढीला हो जाता है हमारी मशीन चलते चलते। तो ये इस तरह से एकदम हल्का ही खींचेंगे तो ये आपको दिखाई देगा यहाँ पर उभरा हुआ जैसा, देखिए यहाँ पर। तो ये ज़्यादा ढीला होने की वजह से होता है, तो इसको हम अच्छे से टाइट कर लेंगे। इसको टाइट करने के बाद, इतना भी नहीं टाइट करेंगे जितना खींच कर चेक करेंगे, फिर समझ में आएगा आपको इसका सॉल्यूशन। ये है कि अगर इस तरह आप इस तरह इसको रख पकड़ेंगे तो ये गिरना नहीं चाहिए, अगर गिर गई तो समझिए कि आपकी सिलाई में प्रॉब्लम आ सकता है। ये इसका जांचने का तरीका है। तो चलिए अब हम इसको लगा करके मशीन में चेक करेंगे कि ये नॉर्मल तरीके से आना शुरू हो जाए, तो हम समझ जाएंगे कि हमारी मशीन अब सिलाई परफेक्ट देने के लिए रेडी हो चुकी है। तो ये देखिए नॉर्मल तरीके से आना शुरू हो चुका है। तो चलिए अब हम इसको बॉबिन में लगाएंगे, सेटल में लगा लेंगे। इसको हम सेटल में बिठा लेंगे इस तरह से पकड़ने के बाद, ये देखिए। फिर इसको यहाँ पे कट करके आवाज़ आएगी दोस्तों, तो समझिए कि ये हमारा बॉबिन बैठ चुका है। तो हम दोस्तों सिलाई लगा करके देखेंगे कि हमारी मशीन में जो प्रॉब्लम था वो सॉल्व हुआ या नहीं। तो इसको देख लेते हैं। तो ये स्टिचिंग आपके सामने है दोस्तों, ये जो चौथा वाला सिलाई मैंने मारा था, जो आपको दिखाया था कि ये किस तरह से ख़राब सिलाई हमारी मशीन दे रही है, और ये अब वाला सिलाई है जो कि बेहतरीन सिलाई हमारी मशीन देना स्टार्ट कर चुकी है। तो ये देख लीजिए, अब हम टाका को छोटा करके देखेंगे। ये देखिए बैक साइड में किस तरह सिलाई हमारी मशीन दी थी पहले, और ये अब देखिए बैक साइड में जो ब्लू कलर का धागा आपको दिखाया था, ये बैक नीचे लगा हुआ है। ये जैसा कि आप देख सकते हैं ब्लू कलर का धागा नीचे बॉबिन से आ रहा है, और ये रेड कलर ऊपर लगा हुआ है, ये देख सकते हैं। तो ये नीचे से जो सिलाई आ रही है वो भी, उसका भी सॉल्व हो चुका है, और ये जो ऊपर से आ रही है उसका ही प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका है। तो इसको एक बार और आपको स्टिचिंग करके दिखा देता हूँ। टाका हम छोटा कर लेंगे। तो ये देख लीजिए हमारी मशीन बिल्कुल परफेक्ट सिलाई करना शुरू कर चुकी है। ये दोनों सिलाई जो अभी मैंने मारा आपके सामने, और ये जो ख़राब सिलाई दे रही थी वो है। तो इस तरह से आप भी अपने मशीन के सॉल्यूशन के लिए ये उपाय करें तो आपकी मशीन 100% सही हो जाएगी। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। वीडियो को अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा दोस्तों, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे कि ज़्यादातर लोगों को मालूम चल जाए। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।